ठीक है, रसोई में आज आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोला कबाब। गोला कबाब के लिए मैंने 250 ग्राम कीमा लिया है, मटन कीमा। एक प्याज लिया है जिसको मैंने गोल्डन इसका फ्राई कर लिया है, स्लाइस में इसको कट करके गोल्डन फ्राई कर लिया। 2 चम्मच बेसन लिया है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया लिया है, 1 चम्मच कुटा हुआ जीरा लिया है, भुना हुआ जीरा लिया है, 1 चम्मच गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच चाट मसाला लिया है, नमक स्वाद अनुसार लिया है, 1 पिंच हल्दी लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च लिया है, 5 हरी मिर्च लिया है, 1 इंच अदरक लिया है, 10 लहसुन की कलियाँ लिया है, 1 मुट्ठी धनिया पत्ती लिया, 1 नींबू लिया। तो पहले मैं हरी मिर्च और लहसुन की कलियों को पीस लेती हूँ। इसलिए कि फिर इसको पीसना, तब इसमें पहले मटर कीमा डाल रही हूँ, मसाला, नमक स्वाद अनुसार लिया है, नींबू का रस, नींबू का रस 1 महीने निचोड़ दिया, डाला। चलने वाला मेरे पास कीमा नहीं था इसलिए मैंने डाल देना। 2 पार्ट करके मैं पीस रही हूँ इसलिए कि मेरा जार छोटा है, इस वजह से। तैयार हो चुका है, इसको मैंने मैरिनेट करके फ्रिज में 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है, बहुत ही बेहतरीन, ये बहुत ही टेस्टी तैयार होगा, आप बना के ज़रूर देखेंगे। तो पहले इसको गोला का शेप दे रहे हैं। मैं इसे मैं इंसर्ट करूंगी, ठीक है, इसलिए मैं सीखे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से गोला कबाब का शेप लेना है। तैयार हो चुका है, अब इसे फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो जाने पे इसमें गोला डालूंगी। 2 फ्लेम पे इसे पकाऊंगी। तो इसको अलग पलट करूंगी। चुका है अंदर से और बेहतरीन और इसे छान लूँगी। परफेक्ट तैयार हो चुका, तो देखिए मेरा गोला कबाब परफेक्ट तैयार हो चुका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया। कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।